सोना और लोहा यह प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रामेश्वर दयाल दुबे इनकी रचना है। सोना और लोहा इस पाठ में साहित्यकार रंग रूप की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर अधिक जोर देता है। भले ही सोने का रंग पीला चमकीला हो और सोना संसार में सबसे सुंदर कहा जाता है, लेकिन सोने की रक्षा करने के लिए उसे लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। सोने को रंग रूप देने के लिए उस पर लोहे की ही चोट की जाती है। सोने की कीमत लोहे से कहीं अधिक है, लेकिन लोहा सबसे अधिक उपयुक्त है। सोने से पेट नहीं भरता, लोहा सभी का हाथ बटाता है। केवल मूल्य के आधार पर हमें किसी को महत्व नहीं देना चाहिए, तो उसकी उपयोगिता भी जांचनी चाहिए। सोने से हम केवल अंगूठी, चूड़ियां, बाली और कई आभूषण बना सकते हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण कामों में लोहे का ही उपयोग होता है। जैसे खेती के कामों के लिए कुदाल, फावड़ा, खुरपी, इन जैसे औजारों को बनाने के लिए लोहे का ही उपयोग होता है। मकान बनाना हो तो उसके लिए भी लोहा आवश्यक है। इस प्रकार संसार के सभी उपयोगी वस्तुओं में लोहे का अधिकतर उपयोग होता है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए रोटियां सेकनी हो तो उसके लिए भी लोहे का तवा चाहिए। युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं वह सभी लोहे से बने होते हैं। सोना जबकि केवल धनिक और राजा महाराजाओं का पसंदीदा होता है, वही लोहे को श्रमिक और किसान मजदूर सभी पसंद करते हैं। राजा महाराजाओं के दिन तो अब लग गए हैं, अब श्रमिकों का युग है। सोना जहां आराम पसंद है, वही लोहे से बनी वस्तुएं और मशीनें कारखानों में दिन रात काम करती है। सोना आराम को पसंद करता है तो लोहा श्रम को ही अपना जीवन मानता है। श्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है, आराम तो हराम है। इस प्रकार सोने का बड़ा भाई लोहा कहलाता है।